ट्रैफिक है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के दोस्त ठीक होंगे। तो आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहा हूँ, उस वीडियो का टाइटल है लाहौर एयरपोर्ट बांग्लादेश क्रिकेट टीम अराइवल। तो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ चुकी है और हम उसको वेलकम करते हैं और बोलते हैं जी आया नू। यार काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि बांग्लादेश एक मुश्किल वक्त में अपने भाई को सपोर्ट करने, अपने इस्लामी ब्रदर कंट्री को सपोर्ट करने आया है। यार हम बांग्लादेश के शुक्रगुजार हैं और पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल क्रिकेट के जो दरवाजे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहे हैं और इंशाल्लाह PSL 4 पूरा पाकिस्तान में होने लगा है। तो ये PSL 4 से काफ़ी पहले आना बांग्लादेश का काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो वीडियो पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर देना। तो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 लेट्स वॉच आउट, हियर वी गो। ओके, तो मेरे ख्याल से ये इनके कोच हैं, ये कोचिज हैं। ओके, ये मेरे ख्याल से कोई सिक्योरिटी पर्सन था, वो तमीम इकबाल गुजर के चले गए। ओके, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट ने इस्तकबाल किया है, यहाँ काफ़ी हेड हैं और पुलिस के भी हेड हैं, वो भी मौजूद हैं। ओके, ये कोचिज हैं। ओके, ये ऑफिशियली अब टीम आना शुरू हो गई है। ओके, बांग्लादेश एयरलाइन अपनी जो कंट्री की एयरलाइन पे ही आए हैं। प्राइवेट प्लेन पे आए हैं। ओके, काफ़ी अच्छा यार प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और ऑफिशियली सारी टीम आ चुकी है नीचे। ओके, और ये है सिक्योरिटी और ये हो यार काफ़ी हैवी सिक्योरिटी है, मतलब आपको यहाँ एम्बुलेंस प्लस बम्स को आप, और यहाँ देखे रोड्स को भी ब्लॉक किया गया हुआ है। वही बता रहा था कि आपको हर किसी एम्बुलेंस भी साथ हैं, साथ एयर वो जो फायर ब्रिगेड सब कुछ साथ साथ है और साथ हाई सिक्योरिटी है, जीरो ट्रैफिक है इस टाइम। और वीडियो ख़त्म हो गई है। एक दफ़ा फिर मैं तमाम बांग्लादेश के लोगों का और बांग्लादेश की टीम का और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड और उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी। यार ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा है और हमारे दो इस तरह ना यार दो मुल्क करीब भी आते हैं। यार मेरा काफ़ी इंटरेस्ट डिवेलप हो रहा है कि कजाफी स्टेडियम में काफ़ी देर बाद इंटरनेशनल मैचेज होने लगे हैं। श्रीलंका की टीम आई थी लेकिन वो 2 T20 मेरे ख्याल से खेल के चले गई थी, लेकिन ये बांग्लादेश प्रॉपर टेस्ट ODI और T20 खेलने आई है और काफ़ी लंबे टूर पे आई है। तो पंजाबी में कहते हैं ना जी आया नू साडे घर, ते वेलकम असी करने हैं बांग्लादेश दी टीम नू। मेरे उम्मीद है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होंगे और बांग्लादेश की टीम भई अब वो वाली जमाने वाले गए कि जब बांग्लादेश को पाकिस्तान मतलब इतनी कमज़ोर टीम में समझता था। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए ना तो बांग्लादेश की क्रिकेट बहुत आगे चले गई हुई है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान PSL बाद में शुरू हुई थी और BPL का पहले की शुरू हुई थी और वहां से इन्होंने जो डोमेस्टिक प्लेयर्स से वहां से इन्होंने ग्रोथ की है अपनी प्लेयर्स की और इम्प्रूवमेंट हो रही है। पिछले साल वर्ल्ड कप में भी इंडिया के साथ काफ़ी इंडिया अब नंबर वन टीम है जिसमें विराट कोहली रोहित शर्मा जैसे प्लेयर हैं, तो उन्होंने एक दो पॉइंट पे जाके गेम लूज़ कर दी थी तो भी मिस फील्डिंग की वजह से, लेकिन बांग्लादेश की वही टीम इस टाइम फुल हैवी है और तमीम इकबाल यार जिस तरह बंदा वो खेलता है ना मैं कहता हूँ क्या ही बात है। उम्मीद है अच्छे मैचेस होंगे, पाकिस्तान भी इंजॉय करेगा और बांग्लादेश भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।